हेलो गाइस, दिस इज दीपा गैन वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपके कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी आपका सवाल हो तो आप मुझे मतलब कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बेसिकली काफ़ी कम लोगों ने कमेंट लिखी, तो खैर जितने लोगों ने भी लिखी उन सभी के मैं जो भी डाउट्स है और जो भी मतलब मेरे को उन्हें शाउट आउट देना है वो मैं इस वीडियो में ले लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नंबर वन पे जो कमेंट है वो है इंडियन ब्लॉगर भावेश की, ये बोलते हैं ब्रो शाउट आउट प्लीज़। तो ब्रो आपको मैंने शाउट आउट दे दिया। तो अगली जो कमेंट है वो है बी ब्लॉग गेमिंग की। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मतलब मैंने ओल्ड गेम्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि मारियो हो गई, कॉन्ट्रा हो गई, तो उसी में एक गेम थी लेजेंडरी करके, तो ये उस गेम का नाम ऐसे पूछ रहे थे। तो ब्रो मैंने आपको रिप्लाई भी दे दिया और उस गेम का नेम भी यही है, और उस वीडियो में मैंने उस गेम की मतलब आपको रोम भी प्रोवाइड करी है, ठीक है, तो आप उसको देखना वाली वीडियो को। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है एक्स वाई जेड की, ये बोलते हैं मेरे को फ्रेंड बनाओ माय नेम। तो ब्रो जो मेरा गेम में टैग है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। और इसके अलावा फिर आर्टिस्ट मतलब कमेंट करते कि गुड वीडियो ब्रो, मैंने भी पॉइजन बनाना है फायर वाला। और फिर टाइगर वीवर की कमेंट आती है कम बैक ऑन वीडियो। जी हाँ ब्रो, काफ़ी दिनों के बाद ये वाली वीडियो आई थी, तो इससे एक तरीके से आप कह सकते हो कम बैक ही हमारा ही फिर से। नेक्स्ट कमेंट है एम के मोबाइल दक्ष गेमर्स की, और ये लिखते हैं माइनक्राफ्ट वीडियो ओ पी 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 पी, भाई इतनी भी मत पिलाओ। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष पंचल की, तो वो लिखते हैं भाई तेरी वीडियो सबसे अच्छी है सच में, लव यू ब्रो। तो यार लव यू टू ब्रो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। नेक्स्ट कमेंट करते हैं आर्ट एंड डिज़ाइन, और ये लिखते हैं प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन वर्ल्ड टूर। तो ब्रो जो मेरा वो ओल्ड वर्ल्ड था जिस पर आपने कमेंट करी है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी अपने वर्ल्ड टूर के बारे में, तो आप उसे देख सकते हो। बाकी अभी एक न्यू वर्ल्ड प्रोग्रेस में, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि काफ़ी दिन से डिस सर्वाइविंग वाली वीडियो भी नहीं आ रही, तो उसको मैं जल्द से जल्द लाना चाहता हूँ। बट मैं अपना थोड़ा काम कर रहा हूँ अपने सारे विलेज पर, एंड जैसे वो पूरा होता है वैसे फिर से हमारी वो वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी डे सीरीज़ वाली। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है रमजान की, और ये लिखते हैं प्योर कॉपीड। तो गाइस आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जिसमें मैंने आपको जो ओरिजिनल माइनक्राफ्ट होती है और जो मोड वाली माइनक्राफ्ट होती है उसके बीच में डिफरेंस बताए थे। तो उसमें कुछ डिफरेंस जो मतलब मैंने बताए वो मैंने कुछ गूगल से सर्च करे थे, कुछ यूट्यूब से देखे थे, मतलब काफ़ी मतलब इधर उधर से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी, एंड तब जाके कंबाइंड वीडियो अच्छी सी आपके लिए मतलब मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने ये कोशिश करी थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना। बट फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्यों यार वो प्योर कॉपी लगती है, मैंने किसकी कॉपी करी मुझे बता दो, उस वीडियो की लिंक भेज दो एटलीस्ट, अगर जिसको आपको लगता है कि मतलब मैंने डिक्टो सेम टू सेम कॉपी करा है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये आपको लग रहा है भले, बाकी अब आप जो मर्जी यार वो समझो, बाकी मैंने तो बस आपके लिए वीडियो बनाई थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के बाद ही वो वीडियो मैंने बनाई थी, और इसके बाद भी अगर आपको कॉपी लगता तो यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है लकी की, और वो लिखते हैं कि भाई आपने वो मैप दीवार पे कैसे चिपकाया। सर इनका एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड है और काफ़ी इजी है। तो इसके लिए सिंपली आपको आइटम फ्रेम बना लेना है, और आइटम फ्रेम जैसा आप बना लोगे उसको आपको कहीं भी लगाना है, जहाँ मर्जी आपका मन करे वहाँ लगा दो, और उसमें चाहे मैप लगाओ चाहे कोई सा भी आइटम लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, जैसे कि भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और आइटम जो फ्रेम होता है ग्लो वाला, वो इससे भी कमाल का होता है, एंड जब आप उसको बना लोगे ना, देखो उसको ऐसे बनाते हैं सिंपली, इसको बना के जब आप कहीं पे भी लगाओगे एंड उस पर कोई भी आइटम लगाओगे, चाहे वो मैप हो चाहे कोई सा भी आइटम हो, वो नाइट में भी मतलब ना आपको दिखेगा। देखो ये रात होगी, आप देख सकते हो कि जो मैंने मैप लगाया ग्लो वाला आइटम फ्रेम पे कैसे चमक रहा है, मतलब कि लाइट अप रहेगा ये हमेशा। तो ये काफ़ी कमाल का है, नॉर्मल आइटम फ्रेम से भी ज़्यादा मतलब कमाल का लगता है ये। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है अजय कुमार की, और वो लिखते हैं कि माइनक्राफ्ट मॉल एडिशन ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो ये हमारे बेसिकली सर्वर के बारे में पूछ रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो हमारा माइनक्राफ्ट का सर्वर है उसमें सिर्फ मोबाइल के प्लेयर ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है फ्लैग माउंट गेमिंग की, और वो लिखते हैं कि यार यूट्यूब पे ग्रो होने की टिप्स एंड शाउट आउट दे दो। तो सबसे पहले यार मैं आपको शाउट आउट देता हूँ, फ्लैग माउंट गेमिंग जिंदाबाद। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि जो शायद आपको टिप्स मैं दे सकूँ, बट फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे सन 2017 से उसको देखते हुए बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यार बस मेहनत करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन आपको यूट्यूब ग्रो करेगा। हालांकि मेरे केस में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, 5 साल ले लिए, और फिर भी मैं अभी इतना ग्रो नहीं हुआ हूँ, बट फिर भी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करते रहो, और आप भी ऐसे बस कंटिन्यू मेहनत करते रहो, आप भी ग्रो होगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नेक्स्ट जो कमेंट हुआ है एम किंग की, और ये लिखते हैं ब्रो भाई यू किक्स एसपी फ्रॉम एसएमपी एंड योर फ्रेंड अजू भाई यूज क्रिएटिव आई नो ऑल हा हा डिडंट डिलीट दिस कमेंट एंड फीचर इन नेक्स्ट वीडियो। तो ब्रो देखो मैंने आपकी इस कमेंट को फीचर कर दिया है इस वाली वीडियो के अंदर, शॉर्ट आउट स्पेशल वाली वीडियो में आप इंक्लूड कर लिया है, और आप लिख रहे हो कि हमने अपने वर्ल्ड को क्रिएटिव में यूज़ करा है। तो ब्रो अगर आप हमें स्टार्टिंग से देख रहे होते हैं और हमारे एसएमपी में अगर आप स्टार्टिंग से होते हैं तब आपको पता रहता हमारी वीडियो देख के कि हमने ऐसा क्यों करा था। क्रिएटिव में बस हमने अपने वर्ल्ड को एक ही बार लिया था क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ कह सकते हो आप हेटर्स आ गए थे जो कि जानबूझ के हमारे एसएमपी को तबाह करते थे, तो उसी चीज़ को हमने सही करने के लिए अपने वर्ल्ड को एक बार क्रिएटिव में लिया था। और दूसरी चीज़ आपको मैंने किक करा तो भाई ऐसा नहीं है, तो भाई आप कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होंगे इसी वजह से हमने आपको किक करा होगा, या आप खुद ही स्पैम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आपको बोट ने किक कर दिया होगा। तो यार प्लीज़ ज्वाइन करना दोबारा से, और इस बार प्लीज़ मुझे बताना अपने बारे में, कुछ इंट्रोड्यूस करना मुझे, ठीक है? तो डिस्कॉर्ड पे मेरे से एक बार अच्छे से बात करना, फिर मैं आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझा दूंगा ताकि अगली बार से आप किक आउट ना हो, ठीक है? नेक्स्ट कमेंट वो है एंग्री गेमर्स की, और वो लिखते हैं शॉर्ट आउट ब्रो प्लीज़, तो ब्रो आपको शॉर्ट आउट दे दिया। नेक्स्ट कमेंट वो है गेमर इज़ हेयर हैप्पी नेम को शॉर्ट आउट प्लीज़ सर, तो ब्रो आपको मैंने शॉर्ट आउट दे दिया। तो कई सेव थी कुछ कमेंट और कुछ आपके डाउट, और इसके अलावा भी कई सारे थे, बट आपको पता ही है मैं सभी को एक ही वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आप सभी ने कमेंट करा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। तो अब मैं आपको कुछ अपनी पोस्ट दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने रिसेंटली करी थी, एंड आपसे मैंने वोट मांगे थे एक तरीके से, एंड देखते हैं उनका क्या हाल है। तो गाइस मैंने एक पोस्ट करी थी विच वीडियो डू यू वांट टू वॉच फर्स्ट, तो आप लोगों ने ज़्यादातर माइनक्राफ्ट को वोट करा था 68%, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास माइनक्राफ्ट लवर कितने ज़्यादा हैं। और फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे थी वो है फार्मिंग सिम्युलेटर 20 और जीटी सैन एंड्रियास, यार इन दोनों में टक्कर का मुकाबला है 12%। तो गाइस फिर से ऐसी, मतलब मैं जब पोस्ट करूँ ना तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की कोशिश करा करो, भले ही आप लाइक ना करो, ठीक है? तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि मुझे, मतलब ये पता रहे कि मुझे अगली वीडियो कौन सी बनानी है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।